રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસમાં સતત નારાજગી સામે આવી રહી છે. કોંગ્રેસમાં ધારાસભ્ય ઇમરાન ખેડાવાલાની નારાજગી, સંગઠનમાં કકળાટ અને રોજ પડતા રાજીનામાના પગલે ગુજરાતના ચૂંટણી ઇન્ચાર્જ તામ્રધ્વજ સાહુ બે દિવસ માટે ગુજરાતમાં દોડી આવ્યા છે. તેઓ કાર્યકરો અને ઉમેદવારોમાં વધેલા વિરોધને લઈને પ્રદેશ નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે અને ડેમેજ કંટ્રોલની કામગીરી કરશે. તામ્રધ્વજ સાહુ અમદાવાદ પ્રદેશ કાર્યાલય ખાતે પ્રદેશ હોદ્દેદારો સાથે બેઠક કરશે અને તેમણે પત્રકારોને જણાવ્યું હતું કે જિલ્લા અને તાલુકા સ્તરે ચૂંટણીઓ છે તેની ચર્ચા કરવા માટે અહીં આવ્યા છીએ. જે વિરોધ છે તેના પર ચર્ચા કરીશું. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતૃત્વ સાથે બેઠક કરીશું. બાદમાં પ્રચાર હાથ ધરવામાં આવશે. ટિકિટ તમામને નથી મળતી. નારાજગી વ્યક્ત કરવાથી કશું જ મળતું નથી. ક્યાંય ચૂક થઈ હોય તો વર્તમાનમાં સુધારો કરવાની જરૂર હોય છે. સાથે તેઓએ જણાવ્યું હતું કે ટિકિટ પૈસા આપીને વેચવામાં આવે છે તે મુદ્દે ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવશે અને કાર્યકરોને અમે સાંભળીશું. તામ અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં કોંગ્રેસમાં જે વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે તેનાથી પાર્ટી હાઈકમાન્ડ પણ ચિંતિત થયું છે. એટલા માટે પ્રદેશમાં કેન્દ્રના નેતાઓ દોડી આવ્યા છે. छः नगर निगमों के पहला फेस, सेकंड फेस हमारा जनपद और जिला पंचायत का है. फर्स्ट फेस का टिकट वितरण संपन्न हो गया है और आज से सेकंड फेस का भी चर्चा और उसको फाइनल करना शुरू होगा. हमारे पीसीसी चीफ हैं अमित चावड़ा जी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के गुजरात प्रभारी हैं आदरणीय राजीव सातव जी और सीनियर लीडर्स मिल करके फर्स्ट फेस का उन्होंने क्लियर कर लिया है. सेकेंड फेस का आज शुरू कर रहे हैं. ये जब हो जाएगा तो कंपेनिंग शुरू होगी और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा चुनाव प्रचार हो, मतदाताओं तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकें, कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हों, सबकी जिम्मेदारी तय हो, ये कोशिश की जाएगी. देखिए एक बड़ी पार्टी है और नगर निगम चुनाव काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे वार्ड होते हैं और एक एक जगह मान लो आठ आठ दस दस लोग मांगे हैं तो टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी. नाराज़गी व्यक्त नहीं करना चाहिए, साथियों से अपील करूंगा, क्योंकि नाराज़गी व्यक्त करने से कुछ हासिल होना नहीं. पार्टी फोरम में ज़रूर अपनी बात रखनी चाहिए. अगर कहीं चूक हुआ हो तो वर्तमान में सुधार करने का समय हो तो किया जा सकता है, नहीं हो तो भविष्य में उस परिप्रेक्ष्य में ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये चुनाव अंतिम चुनाव नहीं है. चुनाव लगातार होते रहेंगे. पाँच साल कैसे व्यतीत होता है पता नहीं चलता. तो मैं तो सारे साथियों से अपील करूंगा कि इस प्रकार से नाराज़गी या इस्तीफा, इससे वापस तो नहीं आ जाएगा कोई चीज़ या टिकट नहीं मिल जाएगी, तो अपना अधिकार जरूर जताना चाहिए. पार्टी फोरम में बोलना चाहिए, चर्चा करेंगे उन लोगों से भी, उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास करेंगे, मनाएंगे. कहीं अगर अपनी चूक हुई हो तो स्वीकार भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. एक बड़ा परिवार में इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, पर उसको कोशिश करेंगे कि एकजुट कर लें. नहीं, इस प्रकार से नहीं होगा. अब अभी तो आया हूँ, कल परसों तो मैं था नहीं. तो मैं जो आप लोग बता रहे हैं या जो जानकारियाँ बाहर आ रही हैं उसके परिप्रेक्ष्य में मैं चर्चा करूँगा वरिष्ठ पदाधिकारियों से कि अगर कहीं इस प्रकार की है तो सावधानी बरती जाए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. प्रेशर पॉलिटिक्स वाली कोई बात नहीं है, पर अपनी बात रखना, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं. मेरा काम है केंद्रीय ऑब्जर्वर के रूप में सभी चीज़ों पर निगरानी रखना, सहयोग करना, सहयोग लेना, समझाना भी, ऑब्जर्व भी करना, निगरानी भी रखना, बेहतर सजेशन भी देना यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार, ताकि चुनाव का कार्यक्रम है वो सही ढंग से हो सके. काफ़ी नए लोगों को तो टिकट दी गई है. अब एज 35 साल है कि 34 ये नहीं कह सकता, पर काफ़ी नए लोगों को टिकट दी गई. અને ગુજરાતની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી ક્લિક કરો બેલ આઇકન અને મેળવો વિશ્વભરના ન્યૂઝ અપડેટ્સ.